हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो रिसेंटली भी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस बार क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टाइम ड्यूरेशन आपका क्या था। तो पूरा एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, यहां पर जो आपको डेजिग्नेशन है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। जो आपको जॉब रोल ऑफर होने वाला है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एज अ जीईटी। आप यहां पे काम करने वाले हैं। जो आपका कंपनसेशन है 4.5, so स्पेशली जो अभी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं मॉर्निंग स्लॉट में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हायरिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा वो क्लियरली आप देख सकते हैं, प्रोफाइल स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद आपका पैनल इंटरव्यू, दैट इज टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफ कैंपस में भी अप्लाई करते हैं, ऑफ कैंपस में भी जाएंगे फॉर जीईटी, तो डेफिनेटली आपको यही पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि रिसेंटली आज के दिन यहाँ पे एग्जाम्स कंप्लीट हुए उसकी बेसिस पे, ओके। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल, इस तरीके से आपका टेस्ट शेड्यूल है जो यहाँ पे मेल वगैरह रिसीव होता है स्टूडेंट्स को। लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम सितंबर 8, यानी आज के दिन का जो एग्जाम्स का मेल था, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेस्ट कंपोजिशन 120 मिनट यहाँ पे टोटल दिया गया है। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होने वाले हैं और ड्यूरेशन होने वाले हैं। सबसे पहला इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपका 15 मिनट होने वाले हैं एंड 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस थे एंड यहाँ पे ओनली 15 मिनट आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। नाउ सेकंड सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो आपका 12 क्वेश्चन है 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है, दैट इज लॉजिकल एबिलिटी, ओके। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, उसमें भी आपके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 15 मिनट में आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। उसके बाद गाइस आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यहां पे पूछे गए थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25, यहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसके बारे में हम बाद में एनालिसिस करने वाले हैं, ओके। सो 25 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हैं वो आपके 35 मिनट में आपको सॉल्व करना था, कंप्यूटर साइंस आपके 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे एक मिनट में सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे थे। स्पोकन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, जो आपका SBAR स्पोकन इंग्लिश था, जो आपको क्लियरली वहां पे मेंशन दिखेगा, एंड आपके इसमें 7 सेक्शन थे, ओके। अब हम वन वाई करके यहाँ पे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका प्लेटफॉर्म था, जो आप SHL पार्टनर यानी कि असेसमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपका यहाँ पे असेसमेंट कंडक्ट किया गया था। उसके बाद असेसमेंट के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखना था अपलोड करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे अभी आपका दूसरा स्लॉट होगा तो आपको यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, दैट इज एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म, अपडेटेड रिज्यूमे, उसके बाद कॉलेज आईडी कार्ड, ओके। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सो क्लियरली आप देख सकते हैं 2025 बैच क्या क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें आपकी BBTech, MEMTech, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, MCA, 5 ईयर इंटीग्रेटेड CS एंड IT इंजीनियरिंग ब्रांचेस ओनली, ओके। अगर आप MCA और CS एंड IT ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑल एजुकेशन एंड फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज, ये मेन आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। ब्रांच कौन सी थी, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एंड जो एकेडमिक गैप है वो है नॉट मोर देन 2 इयर्स एकेडमिक गैप अलाउड, SSC, HSC, डिप्लोमा, UG एंड PG, ओके। और भी अदर क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, परसेंटेज का जो क्या है, CGPA वगैरह का, री अटेम्प्ट जो ATKTs है, नेचर ऑफ कोर्सेज है, ईयर ऑफ पासिंग तो मैंने क्लियरली बता दिया आपको, 2025 के लिए इस बार प्रोसेस हुआ है। सो आप क्लियरली पूरा क्राइटेरिया देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब मैं बात करता हूं, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था जो स्टूडेंट्स को फिल करना था, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। सी, जैसे ही आपका यहां पे एग्जाम स्टार्ट होगा, इस तरीके से विंडो आपको दिखने वाला है। सपोज यहां पे क्या है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के थे वो 15 मिनट, क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी गया है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया था एग्जाम, तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दिया, राइट। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे अपकमिंग, लेटर, लेटर इस तरीके से आने वाला है, ओके। इस तरीके से पूरी विंडो आप यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट करना है आपका पूरा ऑनलाइन असेसमेंट। सबसे पहले आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद लॉजिकल एबिलिटी जो आप क्लियरली देख सकते हैं, जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताया वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी एडवांस होने वाला है एंड 12 क्वेश्चन 50 मिनट, ओके। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसमें मल्टी चॉइस MCQ क्वेश्चंस आपके होने वाले, नॉलेज ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओके। सो 25 क्वेश्चन है, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है, कंप्यूटर साइंस में 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में। उसके बाद SBAR कन्वर्जेशनल स्पोकन इंग्लिश टेस्ट आपका है सेक्शन है, ओके, जिसमें आपका क्या है 7 सेक्शंस आपके यहां पे होने वाले हैं। ये पूरा आपका पैटर्न है गाइस, एग्जैक्ट पैटर्न जो आज
आज के दिन देखने को मिला है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का आज का एग्जाम हुआ है स्टूडेंट्स का। ओके, अब मैं एनालिसिस पे बात करता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली गाइस, एक दो क्वेश्चन तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे कि सेमाफोर का एक क्वेश्चन था, डेडलॉक का एक क्वेश्चन था, उसके बाद डीबीएमएस में स्पेशली जो आपका नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइजेशन से दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अगर आप डीबीएमएस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डीबीएमएस से आपकी की है जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के डेफिनेटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद प्रोग्रामिंग फंक्शन, शॉर्टिंग एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे थे। जैसे कि कौन सी यहां पे शॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, तो कुछ आपको वहां पे क्वेश्चन था कौन सी एल्गोरिथम कहां पे यूज होती है, क्या यूज है एल्गोरिथम्स का, लाइक शॉर्टिंग का। सो बेसिकली सारी शॉर्टिंग आपको आना चाहिए और कैसे यूज करते हैं, तो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पे की गई थी। शॉर्टिंग के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वहां पे थे, थोड़ा डीएससी के भी क्वेश्चन थे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें मोस्टली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, सिचुएशन बेस्ड। यस गाइस, इसमें कैसे क्वेश्चन थे मैं आपको बता दूं। सिचुएशन बेस्ड मतलब कि प्रोग्राम कोई प्रोग्रामर कोई कोड कर लिख रहा है, तो किस तरीके से अगर वो डीबग करेगा, कुछ एन नंबर ऑफ लाइन कोड है उनके पास और वो डीबग करेगा, तो इस तरीके से आप डीबग कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन होगी, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई कोड लिखते हैं, उसमें कुछ एरर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। उस तरीके के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देखने को मिले हैं। ओके, आउटपुट बेस्ड जनरली क्या है प्रोग्रामिंग में, आपको यहाँ पे शेड्यूल कोड टाइप, यहाँ पे कुछ कोड दिया गया, उसके बाद आपका आउटपुट क्या है, उसका क्या है, एरर आ सकता है, आप कंप्लीट करना है आपको कोड, वो इस तरीके के क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पूछे गए थे। ये क्लियर हो गया, ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे एंड बहुत ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा कोई हार्ड नहीं था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली वाले सेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी भी बहुत ईजी लेवल का था, क्वांट्स मीडियम लेवल का था यहाँ पे, क्योंकि एडवांस मैथ्स था जिसमें आपके यहाँ पे लॉक्स के क्वेश्चन थे, स्पेशली आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, एंड लाइक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेशली फ्रैक्शन के भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। ओके, इंग्लिश जो कि मीडियम लेवल का, बट यहाँ पे टाइम का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे पैसेज आपको शो करके दिखाए जाएंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वाला लाइक सेक्शन आपके लिए, बट आपको टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी से पैसेज में से क्विकली वहां पर सिलेक्ट करके आंसर्स को देना पड़ेगा, तो आपको टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है इंग्लिश वाली सेक्शन में। ओके, और SBER स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करें तो बेसिकली वो भी आपका इजी लेवल का ही सेक्शन था, जो जनरली स्पोकन वाला था, जिसमें आपको रीड करके वहां पे स्पीक करना है, एंड डिफरेंट क्योंकि 7 सेक्शन है तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे SBER में। ये फाइनल एग्जाम एनालिसिस है आज के एग्जाम का, और पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं, जो एग्जैक्टली पैटर्न आज देखने को मिला है वो ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो क्लियरली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट LTI Mindtree एग्जाम प्रोसेस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के बाद अब टेक्निकल इंटरव्यू आपका स्टार्ट होने वाला है, दैट इज पैनल इंटरव्यू, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।